Hi, this is Khushbu with another question of arithmetic progressions. This is question number 8 from exercise 9.3, page number 9.23 from Adi Sharma. The question is, if 10 times the 10th term of 80, बिल्कुल आपको जैसे जैसे कहा गया वैसे ही लिखना है. 10 times 10th term of 80. 10 times मतलब 10 into 10th term of 80 means A10 is equal to 15 times the 15th term of 80. 15 times मतलब 15 into 15th term मतलब A50. ये गिवन है हमारे को. Show that 25th term of 80 is 0. हमें शो करना है कि 25th term A25 0 है. ये शो करना है. A25 0 होने का मतलब क्या है? An का फॉर्मूला होता है A plus N minus 1 D. तो हम 25th term मतलब N की जगह यहाँ 25 है. So अगर हम जहाँ जहाँ N है वहाँ 25 put करें plus 25 minus 1 D. A25 is equal to A plus 25 minus 1 24 D. A25 0 है तो यहाँ 0 is equal to A plus 24 D. So, हमें दिखाना है कि a plus 24d is equal to 0. ये हमें लेकर आना है. So, इसको हम यूज करेंगे तो 10th term a10. a10 को हम क्या लिख सकते हैं? a10 हम लिख सकते हैं an is equal to a plus n minus 1d. तो यहां से a10 क्या बनेगा? a plus 10 minus 1d. जहां जहां 10 है वहां n है वहां हमने 10 पुट कर दिया. A10 is equal to A plus 10 minus 1 means 9D. ये आपके पास वैल्यू आ गई A10 की. So यहाँ पर A10 की जगह पर हम इसको पुट करते हैं तो ये बनेगा 10 times A plus 9D. ये आप ब्रैकेट में लिखेंगे. सेम फेज A15 निकाला. A15 निकलेगा हमारे पास An is equal to A plus N minus 1D. So A15 यहाँ से बना A plus एन की जगह 15 माइनस 1 डी. सो A15 की यहां से वैल्यू आ गई ए प्लस 15 माइनस 1 14 डी. ये वैल्यू आई A15. तो हमें क्या कहता है? दिस वैल्यू इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ A15 मतलब ए प्लस 14 डी. सो 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आया 10A प्लस 10 इंटू 90 मीन्स 90 डी. Is equal to 15 into A is 15A plus 15 into 14. 15 into 14 is 210. 15 into 14 is 210D. अब A वाली टर्म्स एक साइड पे, D एक साइड पर, तो 10A minus 15A is equal to 210 minus 90D. तो 10A minus 15A minus plus minus minus 5A is equal to 210D minus 90D. 210D minus 90D किया तो हमारे पास आया 120D. So A की वैल्यू यहां से आ गई 120D upon minus 5. So इसको इससे कट किया सो 5 1s are 5 2s are 4s are. So A is equal to minus 24D. इस 24D को इधर ले आएंगे तो A plus 24D is equal to 0. So, A plus 24D का मतलब होता है 25th term. A plus 24D मतलब A25 है A plus 24D. So, इसको हम लिख सकते हैं A25 is equal to 0. So, यही हमें प्रूफ करना था. So, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जो आपको गिवन है पहले आप वो सब लिखिए, उसके बाद उसको फॉर्मूला में पुट कीजिए और अकॉर्डिंगली जो आपको मांगा गया है उसको देखिए क्या उससे मैच कर रहा है या नहीं. So, इस टाइप के क्वेश्चंस आप आरडी शर्मा से ट्राई कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज हमें बताइए. एंड टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. गुड बाय.